यूपी की राजधानी लखनऊ में लंबी लंबी कतारों में खड़े ये लोग इसराइल जाना चाहते हैं नौकरी करने। नौकरी ऐसी जिसमें इसराइल की सरकार लगभग 1.5 लाख रुपए महीना देगी, रहने के लिए घर देगी, लेकिन एक शर्त है, वो ये कि उम्र 21 से 45 के बीच होनी चाहिए। काम मजदूरी का है, ये स्किल्ड लेबर हैं, अपनी मर्जी से इसराइल जाना चाहते हैं, वहां जाकर अपनी गरीबी दूर करने का सपना देख रहे हैं। सुनिए स्क्रीनिंग के लिए आए एक मजदूर से जब बात हुई तो क्या कुछ कहा। ये क्या कहते हैं, श्रमिकों के लिए इसराइल से भर्ती निकली है, ये हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और क्या कहते हैं एक प्राइवेट कंपनी है उसकी साझेदारी में ये जो भर्ती निकली है और उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिक भेजे जा रहे हैं तो उनका परीक्षण हो रहा है यहाँ पर टेस्ट। मतलब लोग उत्सुक हैं जाने के लिए और क्या कहते हैं और सारा ठीक ही है, लोग आ रहे हैं नई नई मतलब अलग अलग जिलों से आ रहे हैं और राजस्थान से भी आ रहे हैं यहाँ पे लोग और क्या कहते हैं हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं। मैं मथुरा से आए। हाँ। किस तरह का अनुभव रहा, लोगों ने किस तरह से आपको यहाँ समझाया, क्या इंटरव्यू हुआ या क्या आपको तनख्वाह के बारे में बताया गया? इंटरव्यू एक नॉर्मल है और काम आता हो तो उसके लिए मतलब यहाँ पे मतलब दरवाजे खुले हुए हैं बाहर और क्या कहते हैं सैलरी के लिए इन लोगों ने वो तो गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया है और हमने जहाँ मथुरा श्रमिक ऑफिस में ये विभाग में ये अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे तभी बता दिया गया था कि 1,39,000 रुपये हमारी सैलरी होगी और क्या कहते हैं 15,000 यूपी गवर्नमेंट देगी हमें और बोनस फंड के तौर पे। कितना कैसा लगना कमाई होगी? बहुत खुश हूँ और क्या कहते हैं और मतलब मेरे घर पे भी सब लोग खुश हैं और क्या कहते हैं मैं काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा था और मैं यहाँ पे सफल नहीं हो पा रहा था और मेरा सिलेक्शन हुआ है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लंबे समय से रोजगार की तलाश में घर बैठे युवाओं को बेहतर जीवन की उम्मीद दिख रही है, अच्छे पैसे तो हैं ही, साथ में विदेश में नौकरी का मौका पाकर बेहद खुश दिख रहे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों से इसराइल जाना चाहते हैं। हम लोग श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाए थे, भारत सरकार की एक योजना है चाहे जो भी मतलब इसराइल से मांगा गया है कि आप 1 लाख श्रमिक दीजिए जिसमें उत्तर प्रदेश के नाम पे 10,000 श्रमिकों की मांग है तो उसमें हम लोग अपने जिले पर रजिस्ट्रेशन करवाए थे। रजिस्ट्रेशन के लिए अपने श्रम विभाग में जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके 10 दिन बाद कॉल आ रही है आपके यहाँ कि फलाना तारीख को आपका जो है इंटरव्यू लखनऊ ITI कॉलेज में है। फिर वहाँ से हम लोग मतलब सरकारी व्यवस्था से यहाँ तक आ रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद अब देखिए फोन आएगा आप पास हैं कि फेल हैं वो तो आपके काम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या लगा, किस तरह का अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या रहेगा? जैसे कुल मिला के यदि आप अपने काम से स्वयं संतुष्ट हैं तो पास हैं, मान लीजिए आप संतुष्ट नहीं है तो पास नहीं है। बाकी सैलरी वगैरह को लेकर क्या बताएं? सैलरी देखिए जो भीड़ हो रही है यहाँ पे सैलरी के लिए ही भीड़ हो रही है, लोग तो जानते हैं वहाँ यूँ चल रहा है, उसके बावजूद सैलरी के लिए ही लोग जा रहे हैं। हाँ आज के डेट में सब चाहता है कि मैं अच्छा कमा लूँ। 1,37,250 रुपया तनख्वाह है। बाकी सरकार ने कितना सहयोग करा, कितना आपको? अभी तो तब जो हम लोग आए हैं यहाँ सब सरकारी सहयोग ही रहा है। हाँ और माननीय अनिल राजभर जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका मंत्रालय है और सब बहुत बढ़िया से काम चल रहा है, सभी ऑफिसर बढ़िया से काम कर रहे हैं, मतलब जितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है सभी के यहाँ कॉल जा रहा है। असल में भारत और इसराइल सरकार के बीच मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत MOU हुआ जिसमें 10,000 स्किल्ड लेबर को इसराइल भेजने की तैयारी की जा रही है। इस MOU को करने के पीछे की वजह ये है कि फिलिस्तीन ने इसराइल में घुसकर नागरिकों को किडनैप कर लिया था, उनके साथ काफी बेरहमी भी की थी। ऐसा होने पर इसराइल ने फिलिस्तीनी मजदूरों को हटा दिया था, जिसके बाद भारत को दोस्त की नजर से देखने वाले इसराइल ने मजदूरों की मांग रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।